द्वारस किस्सा लेना आया हूँ द्वारा नई कहानी नए कहानी का नया मोड नया किस्सा। देखो नया किस्सा है, बहुत अच्छा गेम है, चैलेंज है। पहले वाली वीडियो में वो चैलेंज था पर उस पर दिक्कत आई थी, तो उसको चैलेंज को मैंने बताया था कैसे करना है, ठीक है। उसको शायद अगर आप ऑन ना कर लेना और अगर बात करना है तो मैं कम हो। आज का जो किस्सा है वो भी एक घुस चैलेंज का है, वो भी ऐसे ही द मोस्ट डेंजरस गेम है, वो भी द स्ट्रेंजर रिचुअल। द स्ट्रेंजर रिचुअल गेम है। अब देखो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, उससे पहले भाई स्टार्ट करने से पहले लाइक कमेंट कर देना, चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर देना, चैनल को घंटा दबा के वो सब्सक्राइब कर देना साइड में। ऐसी कहानी आती रहेगी, ऐसे गेम भी आते रहेंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया। देखो मैं आपको बताता हूँ, स्टार्ट करता हूँ वीडियो, ठीक है, सुनाता हूँ आपको द स्ट्रेंजर रिचुअल गेम का नाम है, जो चैलेंज है अजनबी अनुष्ठान, काफ़ी हालिया आविष्कार प्रतीत होता है। इसका पहला अवतार क्रीपी पास्ता विकी पर 29 अक्टूबर 2014 को सैलार 16:10 नाम से जाने वाले किसी व्यक्ति द्वारा अपलोड किया गया था। इसी तरह कई खेलों के लिए होस्टिंग गेम नोकर टेल मिडनाइट गेम और इसी तरह समान वाले हिस्से में एक दरवाजे का उपयोग शामिल होता है। हालांकि वास्तव में आप किसे या क्या बुला सकते हैं ये देखा जाना बाकी है। जनब अनुष्ठान एक शैतान के साथ सौदा खेल की तरह है, हालांकि पर ये किस शैतान के साथ काम कर रहे हैं ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि मतलब इसमें ऐसा है कि इसमें ये बिल्कुल भी वो नहीं है कि किसको हम एक ही मतलब एक ही गोश्त को हम एक ही गोश्त से किससे बात कर रहे हैं, इसमें कोई भी आ सकता है, कोई भी। दूसरा बताता हूँ मैं, वास्तव में अच्छे विवेक में यह अनुशंसा नहीं कर सकता कि कोई भी ऐसा कोई भी खेल जिसके बारे में हम यह TGIM में बात करते हैं, लेकिन यह एक है यह विशेष रूप से अनुशासित नहीं है। जानबूझकर दूसरों को नुकसान पहुंचाना मेरी किताब में और कई अन्य किताबों में भी एक बड़ी संख्या है। आप यह सिर्फ अपने जोखिम पर नहीं खेल रहे हैं, आप किसी और के यहाँ भी खेल रहे हैं। अब देखो मैं आपको इसके बताता हूँ कि खिलाड़ी कौन कौन हो, उसमें खिलाड़ी भी एक ही ओवर के अंदर एक ही जना खेलेगा। इसमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी सामान की, एक दरवाज़ा आदर्श रूप से लकड़ी से बना है, दरवाजे में ताला अवश्य होना चाहिए लेकिन उसमें कोई खिड़की या झालर नहीं होना चाहिए, एक सफ़ेद मोमबत्ती, एक काली मोमबत्ती, एक लाइटर या माचिस, दोनों से कुछ भी रख लेना मेरे पास, एक उपहार मतलब एक गिफ्ट चाहिए कोई सा भी, जैसे कि हम भूत को मतलब घोष्ट को बुला सकें, उसको हम ऑफर दे सकें। वास्तव में यह अनिवार्य रूप से एक शक्ति वस्तु के विपरीत होना चाहिए, वस्तु के विपरीत होना चाहिए, कुछ ऐसा जिसका आपसे कोई संबंध नहीं है, ऐसा कोई गिफ्ट होना चाहिए जिससे कि आपको संबंध नहीं है कोई भी, मतलब रिलेशन मतलब मान लो आपके पास है या आपके पास रहता था पहले, ऐसी कुछ नहीं होनी चाहिए।
वस्तु के विपरीत होना चाहिए, ठीक है। आदर्श रूप से जिस दिन आप अनुष्ठान पूरा करने का इरादा रखते हैं उस दिन उपहार खरीदें या अन्यथा प्राप्त करें। कैंडी या किसी प्रकार के मिठाई की सिफारिश की जाती है, सर मिठाई वगैरह की जाती है ज़्यादा। तो एक लेखन कार्यवन चाक की सिफारिश की जाती है, एक चौक लेनी पड़ती है इसके अंदर लिखने के लिए चौक। निम्नलिखित विशेषताओं को फिट करने वाले व्यक्ति की एक तस्वीर, और उसमें क्या होता है जब आपको चौक लेनी है गेट पे लिखनी है, कैसे गेट बंद रहेगा गेट पे लिखनी होती है, उसके बाद क्या होता है आपको ना, पहले आपको पढ़ के बता दूँ मैं पूरा। फोटोग्राफ यथासंभव नवीनतम होना चाहिए। तस्वीर में आपके काल परिवार में किसी को भी चित्रित नहीं करना चाहिए। अब इसको हम बुलाएंगे कब, जो गोष्ट है इसको हम बुलाएंगे कब, उनको कब करना है देखो मैं बताता हूँ कब होता कब आप आए। 12 बजे के बाद और 3 बजे से पहले आप कभी भी कर सकते हैं। ये 3 AM चैलेंज एक डेविल सार माना जाता है, 12 बजे के बाद से 3 बजे से पहले, 4 बजे से पहले पहले कर लो कोई दिक्कत नहीं है। रात के होने के बाद करें शुरू, आप किसी भी समय शुरू कर सकते हैं जब तक कि सूरज ढल गया हो। हालांकि अधिकतम परिणामों के लिए यह अनुशासना की जाती है कि आप यथासंभव आधी रात के करीब शुरू करें। सुनिश्चित करें कि आप अपने चुने हुए स्थान पर अकेले हैं, किसी भी खिलाड़ी को बंद करें, किसी भी पर्दे को खींचे यदि किसी भी दर्पण को ढक दें और लाइट बंद कर दे। फोटोग्राफ को अपने व्यक्ति पर कहीं रखे, ठीक है। आगे पढ़ता हूँ, दरवाजा बंद कर दो, अपने लेखन कार्यान के साथ उस पर अजनबी शब्द लिख दे। समझ रहे कुछ? लेखन कार्यान के साथ चौक अजनबी लिख दे, अजनबी अपना नाम, अजनबी का मतलब स्ट्रेंजर लिखना होता है गेट पे, याद रखना। 2 मोमबत्तियों को दरवाजे के दोनों ओर रखें, मतलब एक कोने इधर और एक कोने इधर, जैसे होता नहीं 2 कोने होते हैं, ठीक है ना, गेट के कोने करके नहीं। कौन सा रंग किस तरफ रखना होगा जो अपांशिक गति के है, माचिस या लाइटर से मोमबत्ती जलाएं। अपने पार को दरवाजे के सामने रखें, एक दरवाजा आपकी ओर खुलता है तो सुनिश्चित रह करें कि पार उसके सामने इतना दूर है कि वह स्पर्श नहीं करेगा या दरवाजा खोलने पर उसे खटखटाना नहीं जाएगा। देखो उसमें होता क्या है, देखो मान लो आपने मोमबत्ती ला दी, गिफ्ट रखना है मोमबत्ती के बीच में, मतलब गेट के सामने हो गए, फिर उसके बाद क्या करना होता है आपको 3 बार ना नॉक करना होता है, टक 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 ऐसा करके नॉक करना होता है इस पर दरवाजे में। उसके बाद टक करने के बाद आपको बैठना होता है आराम से साइड में, कहीं बैठ जाओ, साइड में बैठने के बाद लाइट बंद कर दी होगी सारी, सिर्फ मोमबत्ती की ही रोशनी होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है इसमें, ये होने के बाद जब 3 बार नोक गेट का वहाँ पीछे से बजेगा, 3 बार पीछे से जब नोक होगा उसके बाद आपको आगे गेम स्टार्ट करना है, आगे मतलब चलाना है। तो आगे बताता हूँ मैं, 3 बार दरवाजा खटखटाए, देखो आगे लिखा है, 7 बार फिर से रुकना थोड़ी देर। उसके बाद यदि आप मौन सुनते हैं तो फिर क्या होता है इसमें, अगर मान लो शांत अगर है बहुत देर तक शांत है कुछ हुआ नहीं तो आगे ना बढ़े दरवाजे के सब पोछे, मतलब गेम को ना बढ़ाएं आगे, दरवाजे का जो आपने शब्द लिखा था स्ट्रेंजर उसे मिटो दे। और मिटोने के बाद क्या करना है आपको, मोमबत्ती बुझा दो, सूर्योदय तक प्रतीक्षा करें, सूर्योदय जब तक दिन निकल जाए तब तक प्रतीक्षा करें, उसे कमरे में बैठ के आराम से
सूरज उगने के बाद आप दरवाजे खोल सकते हैं और खोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि आप दरवाजे की दूसरी ओर से 3 दस्तक सुनते हैं, मतलब अगर खटखटा सुनते हैं 3 बार नॉक होता है वापस, उसके बाद क्या करना है आपको, आप आगे बढ़ सकते हैं, दरवाजा थोड़ा खोलो, हल्का सा खोल देना है उसको, तो 1 या 2 इंच से ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा ही, 2 से 3 इंच उसका, लेकिन इसके बाहर मत देखो। जब आप दरवाजा खुला तोड़ ले तब मुड़े और अपनी पीठ को दरवाजे और अपने उपहार दोनों पर रखें। उपहारों का आदान प्रदान कैसे करना होता है, जब अगर गेम आगे बढ़ा तो तुम्हारे पीछे दरवाजा पूरी तरह खुल जाएगा, आप एक उपस्थित महसूस करेंगे, ठीक है। यह इंगित करता है कि अजनबी या अजनबी आ गया है, पीछे मत पलटो, अजनबी को मत देखो। यदि अजनबी आपके उपहार को स्वीकार नहीं करता तो आगे ना बढ़े, पीछे मत पलटो, अजनबी को मत देखना, अजनबी से माफी मांगो, सूरज तक जहाँ है वहीं रहो, बाहर मत निकलो, ठीक है ना, समझ लो गे आप तो। बाहर नहीं निकलो। यदि किसी भी कारण से आप इस बिंदु पर जारी नहीं रखना चाहते हैं तो अजनबी से माफी मांग ले, उसके बाद वहीं रहो ना, माफी मांग के वैसे बस पढ़ना, पलटना ना कुछ करना, ऐसे ही रहना पीछे मुड़ के। तो जिस बिंदु पर आप मुड़ सकते हैं, दरवाजे से शब्द पोच सकते हैं, इसे बंद कर सकते हैं और मोमबत्ती बुझा सकते हैं, सूर्य तक प्रतीक्षा करें, तो सूर्य नहीं कर जाता। सूरज उगने से पहले दरवाजा ना खोलें, ठीक है, कुछ भी हो सकता है उल्टा। अगर अजनबी आपके उपहार को स्वीकार करता है तो यह आपसे एक नाम का अनुरोध करेगा, अपनी तस्वीर को देखे और उस व्यक्ति का नाम जोर से बोले जिसे वह चित्रित करता है। उसके बाद क्या है, रुकना, फिर क्या करना है, हाँ, आप दरवाजे को बंद सुनेंगे, दरवाजे को बंद सुनेंगे और अजनबी की उपस्थिति फीकी पड़ जाएगी। दोनों द्वारा बंद हो जाने के बाद, दोनों द्वार बंद हो जाने के बाद और उपस्थित गायब हो जाने के बाद चारों ओर मुड़ो, आपका उपहार अब मौजूद नहीं होना चाहिए। दरवाजे से सब पूछो, इसे बंद करो, मोमबत्ती बुझा दो, सूर्य का परीक्षा करो, जब तक सूर्य ना निकले तब तक दरवाजा ना खोले, जितनी जल्दी को हो सके फोटोग्राफ को जलाकर राख कर दें, इस कदम की उपेक्षा ना करें। परिणाम जो हुआ, अगले 3 दिनों में श्रद्धांजलि पर नजर रखें। यदि आप अजनबी को दिया गया नाम देखते हैं तो अनुष्ठान को सफल होगा माना जाता है, इस तरह की किसी भी अनुष्ठान को सफल माना जाता है। इतना ही है इसमें कहानी में, इतना ही मैंने आपको बताया गेम में, तो मैं बताते आपको कैसे खेलना है ये, आप भी आपके बार एक्सप्लेन कर दो गेम खेलने के लिए। देखो कुछ नहीं करना होगा उसमें, आपको क्या करना है, कमरे में आना है, बंद कमरे में लाइट ऑफ करनी है, मोमबत्ती जलानी है, दोनों गेट पे रखनी है, काले और एक सफ़ेद, काली नहीं वो को आदमी सफ़ेद चल जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, एक हिस्सा रखनी है, एक हिस्सा रखनी है, मतलब अलग अलग दोनों कोने पर रखनी है। उसके बाद मोमबत्ती जला देनी है आपको, जलाने के बाद उसी मोमबत्ती के बीचों बीच में, मतलब दोनों के बीच में अपना गिफ्ट रख देना है गेट के पास, फोटो भी तो रखनी है, और फोटो रखनी है, फोटो रख देना अपने रखना, मतलब किसी के भी रख सकते हैं आप, फिर उसका नाम पुकारना उसे कहीं, जब साथ में और किसी की फोटो नहीं होनी चाहिए, अगर आगे बढ़े, और अपने घर वालों की कभी मत रखना ना अपने रखना, किसी के भी रख देना, किसी भी एनीथिंग किसी की भी। उसके बाद गेट पे लिख देना स्ट्रेंजर या अजनबी, कुछ भी तुम्हारी मर्जी, हिंदी लिखो, इंग्लिश में लिखो, दोनों लिख दे, एक में लिख देना। लिखने के बाद फिर नोक करना होगा आपको, पता ही है, खटखटाना है, उसके बाद वेट करना है, अगर कुछ होता है तो आगे बताया मैंने पढ़ना कैसे है, वहाँ से नोक नोक, अगर नोक नहीं आया तो जब तक सूरज ना निकले जब तक आराम से वहीं रहो, और जब लगता है आधे निकल गया बस खोल लो गेट, कोई दिक्कत नहीं। देखो मैंने पूरी कहानी बता दी, मैंने आपको पूरा गेम बता दिया, आप
अगर अच्छी लगे जो भी अच्छा लगे स्टोरी अच्छी लगी हो स्टोरी है उसके बाद हम चैलेंज करेंगे खुद करके दिखाएंगे। तो चलते हैं फिर अगले दिन लेते हैं। अच्छी लगे तो लाइक कमेंट तो कर ही दोगे आप मुझे पता है, सब्सक्राइब भी कर दोगे, वीडियो को शेयर कर देना क्योंकि भाई आप तो कमेंट करके आपको तो पता ही है भाई नींद कितनी आती है, कमेंट करके बताया भी था है ना, तो समझ सकते हैं एक बार नींद तो भाई पूरी नहीं हो रही कोई दिक्कत नहीं पर वीडियो आती रहेगी ऐसे। तो चलते हैं अभी लेते हैं बाय।